हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो रिगार्डिंग जेनेटिक एल्गोरिथम। तो जेनेटिक एल्गोरिथम में पहले तो हम समझेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है, फिर एक सूटेबल डेटा के साथ में एक सिंपल एप्लीकेशन के लिए हम उसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। तो फॉर दिस आई विल गोना शो यू ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ओके, सो जेनेटिक एल्गोरिदम है क्या? बेसिकली जेनेटिक्स से हम क्या समझते हैं यार, हमारे पेरेंट्स में होता है ना, जीन्स आते हैं और फिर बाद में वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट पॉपुलेशंस में, वो जीन्स जाते हैं इस तरीके से, जीन्स मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाते हैं और हम सर्वाइवल टेक्निक सीखते हैं। तो वो भी ये ऐसा ही कुछ है। ये क्या करता है, पॉपुलेशन को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर बाद में हम फिटनेस फंक्शन की तरफ जाएंगे, उसमें से सिलेक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर जब तक हमें हमारा सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। सो स्टार्ट, इनिशियलाइज, इवेल्युएट एंड अगर नहीं है तो सेलेक्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, जनरेशन में हम म्यूटेशन और क्रॉस ओवर की टेक्निक से जाएंगे, फिर से इवेल्युएशन, और ये प्रोसेस इट विल रिपीट अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट रीच अनटिल द कन्वर्जेंस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक एल्गोरिदम इज। सो अ जेनेटिक एल्गो इज ह्यूरिस्टिक सर्च। ह्यूरिस्टिक सर्च है भैया, ये ह्यूरिस्टिक सर्च। सो अब यार, जिसको ह्यूरिस्टिक सर्च के बारे में पता है खुशियां मनाओ, क्योंकि एआई जस्ट वर्क्स ऑन टू द ह्यूरिस्टिक सर्च। बीएफएस डीएफएस के साथ में हम ह्यूरिस्टिक जोड़कर ए स्टार एओ स्टार और बहुत सारी एल्गोरिदम्स हम बनाते हैं यार। सो उसी में जेनेटिक एल्गोरिदम भी आती है। तो इट इज़ अ ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम बेसिकली, एंड दैट इज इंस्पायर्ड बाई चार्ल्स डार्विन्स थ्योरम, थ्योरी ऑफ नेचुरल इवेल्यूएशन, नेचुरल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। चार्ल्स चार्ल्स भाई, ये यार मेरे को साइंस में बहुत मज़ा आता था इसको पढ़ के। ठीक है, वो 10th क्लास में एक चैप्टर था डार्विन्स थ्योरी, जिसमें मटर का एग्जांपल लेता था और वो दिखाता था कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या दिक्कतें आती हैं, एक ऐसा करके एक एग्जांपल था ना, सबने पढ़ा ही होगा यार, 10th क्लास तो सभी पढ़ते हैं, CBSE NCERT। दिस एल्गोरिथम रिफ्लेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन वेयर द फिटेस्ट इंडिविजुअल आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। हम फिटेस्ट बाय रिप्रोडक्शन के लिए फिटेस्ट इंडिविजुअल्स को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स आर सेलेक्टेड फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसके लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स को बनाने के लिए। सो ये वाइडली यूज है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग हो गया, इमेज प्रोसेसिंग हो गया और डिजाइनिंग हो गया, डिजाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट है उसके लिए ये यूज होता है, कोड को ब्रेक करने के लिए, कोड ब्रेकिंग के लिए एंड आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी के लिए भी, आर्टिफिशियल क्रिएटिविटी के लिए भी। ओके, सो क्वेश्चन है भैया, काम कैसे करता है, सो हाउ इट डज वर्क। सो इसके 5 फेजेस हैं यार, इट कंसिस्ट 5 फेजेस। थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता हूँ यार। पहला तो है इनिशियलाइजेशन, फिर है फिटनेस असाइनमेंट कि कौन फिटेस्ट है उसको, फिर बाद में सिलेक्शन प्रोसेस, क्रॉस ओवर और रिप्रोडक्शन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज टर्मिनेशन।
Okay, so these are the five steps through which it has been evaluated. So चलिए इसका सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं साथ साथ में. सो इनिशियल पॉपुलेशन, सो द प्रोसेस, सबसे पहले तो मैं भैया एक बना लेता हूँ, बॉक्स, अच्छे से बॉक्स बॉक्स डिजाइन कर लेता हूँ यार. तीन, चार, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड अगेन वी हैव A1, A2, A3, A4. हम कुछ भी ले लेते हैं, 0 0 0, 0 0 0, 1 1 1 1 1 1, एंड 1 0 1 0 1 0, सॉरी 1, एंड देन 1 1 0 1 1 0. हियर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड जीन. सो लेट्स टॉक अबाउट इंडिविजुअली द प्रोसेस बिगिंस विद अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स. सेट ऑफ इंडिविजुअल्स विच इज कॉल्ड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन, सो ये जो आपको दिख रहे हैं भैया, ये भैया जी के थोड़ा सा आपके लिए, ये भैया जी हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये सब पॉपुलेशन है. A1, A2, A3, A4, ये पॉपुलेशन के पार्ट हो गए. दीज आर द पॉपुलेशंस. ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया. फिर अगला है आपका क्रोमोसोम्स. सो ईच इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व, नॉन एज क्रोमोसोम्स. सो ईच इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम दैट यू वांट टू सॉल्व. नॉन एज क्रोमोसोम्स. तो यहाँ पर ये A1 एक क्रोमोसोम हो गया, A2 एक क्रोमोसोम्स हो गया, ये सारे मिलाकर पॉपुलेशन बनाते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम हो गए. ठीक है, फिर बाद में हमारे पास में आ गया, एन इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ पैरामीटर्स और वेरिएबल्स नॉन एज जीन. जीन, तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो 1 दिख रहा है आपको, ये एक जीन हो गया इसके अंदर, ये अलग दूसरा जीन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जीन्स हो गया हमारे पास में. एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ पैरामीटर दैट इज ऑल्सो नॉन एज वेरिएबल्स नॉन एज जीन जीन्स. तो यहां पर ये एक जीन हो गया, ये जीन हो गया, ठीक है, जीन्स हो गए. जीन्स आर ज्वाइंट इन टू ए स्ट्रिंग टू फॉर्म अ क्रोमोसोम्स. ये हमें दिख ही रहा है कि ये स्ट्रिंग में जीन्स स्ट्रिंग बनाकर एक क्रोमोसोम्स को बना रहे हैं. ठीक है, सो इस तरीके से हम जीन को समझते हैं. अब हमारे पास में आता है फिटनेस फंक्शन. सो दूसरा जो है हमारे पास में, पहला इनिशियलाइजेशन खत्म हो गया, उसके बाद में आता है फिटनेस फंक्शन. सो चलिए समझते हैं फिटनेस फंक्शन को. फिटनेस
function. So the fitness function determines how fit an individual is. It determines how fit an individual is. The ability of an individual to compete with other individuals. मतलब कि भाई ये इससे अच्छा है क्या, ये वाला इस इन सबसे अच्छा है क्या, कि मतलब कितना फिट है वो, ठीक है, ये हम इसमें इवेल्युएट करते हैं। अब अगला जो है इसके अंदर आता है सिलेक्शन। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या करता है भैया, सिलेक्शन में द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फेज इज टू सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल एंड लेट देम पास देयर जीन्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो द आइडिया ऑफ दिस फेज इज टू सेलेक्ट द फिटेस्ट इंडिविजुअल एंड लेट देम पास let them pass their genes to the next generation। तो ये हो गई हमारी सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन फेज। सो सिलेक्शन फेज में हमारे पास में कुछ मेथड्स आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब अभी अभी बताऊंगा, एक सेकेंड रुकिए। व्हील सिलेक्शन हो गया हमारे पास में, फिर टूर्नामेंट टूर्नामेंट सिलेक्शन हो गया हमारे पास में, और हमारे पास में रैंक बेस्ड सिलेक्शन हो गया, रैंक बेस्ड सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए मैं ये जगह छोड़ देता हूँ और इस जगह से हम शुरुआत करते हैं, इसके नीचे से आ जाते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं रुकिए आपको एक सेकेंड बताता हूँ। उसके बाद में मेरे पास में जो अगला आता है वो आता है क्रॉस ओवर्स और म्यूटेशंस के बारे में। सो क्रॉस ओवर और म्यूटेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है क्रॉस ओवर। सो क्रॉस ओवर क्या कहता है यार, क्रॉस ओवर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द जेनेटिक एल्गोरिदम। सो फॉर ईच पेयर ऑफ पेरेंट टू बी मेटेड, हमें दो पेरेंट लेने हैं यार, जैसे कि हमने A1 और A2 हमारे में चूज कर लिया, ठीक है, दो चूज कर लिए जिनको हम रिप्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं, मीटिंग के लिए यूज करने वाले हैं। सो क्रॉस पॉइंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम विद इन द जीन्स। सो मैं लिख देता हूँ, कोई भी हम एक पॉइंट चूज कर लेंगे रैंडमली जहां तक हमें वो मीटिंग करवानी है, हम कह देंगे कि यार यहां तक मीटिंग करवानी है मेरे को, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक मैं पॉइंट्स को चेंज कर दूंगा। फॉर ईच पेयर ऑफ पेरेंट पेरेंट्स टू बी मेटेड क्रॉस ओवर पॉइंट पॉइंट इज चूजन एट रैंडम, रैंडमली अपन कोई पॉइंट को चूज कर लेंगे, जैसे 1 2 3 यहां तक मैंने कर लिया, तो मैं कहूंगा कि इससे पीछे वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप स्विच कर दीजिए, ठीक है, तो 1 0 ये 0 इसमें आ जाएगा और ये 1 इसमें चला जाएगा। फॉर विद इन द जीन्स, जीन्स के अंदर ये क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स है उसके अंदर मैटिंग हो रही है हमारी। सो हमें हमने यहाँ पर क्रॉस पॉइंट क्या रखा है, 3 रखा है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्रॉस पॉइंट्स को चूज करते हैं। फिर अपना होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग क्या कहता है यार, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग कहता है अपना कि दीज आर क्रिएटेड, दीज आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंजिंग एक्सचेंजिंग द जीन्स
जीन्स ऑफ पेरेंट्स पेरेंट्स अमंग देमसेल्फ। Until the crossover point is reached, ठीक है। तो यहां पर देखिए, मैंने क्रॉसओवर पॉइंट यहां तक रखा, तो मैं यहां तक है ना, ये दोनों एक्सचेंज करता जाऊंगा, और एक्सचेंज करने के बाद में मेरे पास में दो नए पॉइंट्स आ जाएंगे, जिनको मैं कह दूंगा A5 और A6, दो नए क्रोमोसोम्स आ जाएंगे जो चाइल्ड होंगे, इन दोनों के मीटिंग से बनने वाला जो चाइल्ड है उसे मैं ऑफ स्प्रिंग बोलूंगा बेसिकली, ठीक है। सो द न्यू ऑफ स्प्रिंग आर एडेड टू द पॉपुलेशन। ओके, देन वी हैव म्यूटेशन, देन वी हैव टर्म कॉल्ड म्यूटेशन। सो इन अ सर्टेन न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड, सम ऑफ देयर जीन्स कैन बी सब्जेक्टेड टू अ म्यूटेशन विद अ लो रैंडम प्रोबेबिलिटी। दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ द बिट्स इन द बिट स्ट्रिंग कैन बी फ्लिप्ड, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ, इन सर्टेन न्यू ऑफ स्प्रिंग फॉर्म, अगर जो नए ऑफ स्प्रिंग बने हैं, फॉर्म हुए हैं, फॉर्म्ड, सम ऑफ देयर जीन्स कैन बी सब्जेक्टेड टू म्यूटेशन विद अ लो रैंडम प्रोबेबिलिटी। सो दिस इम्प्लाइज दैट सम ऑफ द बिट्स सम ऑफ द बिट्स इन द बिट स्ट्रिंग स्ट्रिंग कैन बी फ्लिप्ड, वो फ्लिप हो सकती है। सो उसे ही हम म्यूटेशन बोलते हैं बेसिकली। सो म्यूटेशन में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखिए A5 बिफोर म्यूटेशन कुछ ऐसा नजर आ रहा था, 1 1 1 0 0 0, बट आफ्टर म्यूटेशन मान लीजिए मैं यहाँ कुछ करता हूँ 1 1, और इसको कर देता हूँ 0 1 1, और हमारे पास में है फिर 0, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। तो देखिए ये वाले जो है वो पर्टिकुलर चेंज हो गया हमारे पास में, इनका म्यूटेशन हो गया, ये फ्लिप हो गई, ठीक है। सो इसे कहते हैं हम बेसिकली म्यूटेशन। ओके, सो टाइप ऑफ म्यूटेशन हमारे पास में आ गई, एक तो ये फ्लिप बिट मैनिपुलेशन देख ही लिया आपने, म्यूटेशन देख ही लिया, दूसरा हमारे पास में गॉशियन। गॉशियन बहुत ही इंपॉर्टेंट म्यूटेशन है यार, गॉशियन थ्योरी हर जगह यूज होती है नहीं। फिर है एक्सचेंज एंड स्वैप म्यूटेशन। ओके, सो दीज नंबर ऑफ म्यूटेशंस आर अवेलेबल, एंड एट लास्ट वी हैव टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन किस आधार पे होगा? हाँ, द एल्गोरिदम टर्मिनेट्स इफ द पॉपुलेशन पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज्ड, अगर पॉपुलेशन कन्वर्ज, अगर डज नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, अगर वो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। मान लीजिए कि अब आपको जो आपके पास में क्रोमोसोम्स हैं उन दोनों से मिलकर अगर कोई क्रोमोसोम नया तीसरा बन रहा है, और वो क्रोमोसोम अवेलेबल है पहले से ही पॉपुलेशन में, तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब
अब इससे ज्यादा मेट करेंगे, अगर वो मीटिंग हो रही है तो नहीं बन रही है, नई पॉपुलेशन, नए ऑफस्प्रिंग्स नहीं आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं इसका आपको एक फ्लो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने वाले इनिशियलाइज करते हैं पॉपुलेशन को, कंप्यूट करते हैं फिटनेस, कंप्यूट करते हैं। अगर क्राइटेरिया मैच होता है, मीट हो रहा है, तब तो यस तो एंड कर देंगे हम। अगर नो तो हम क्या करेंगे, पेरेंट सिलेक्शन करेंगे। अभी मैं पेरेंट सिलेक्शन की उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। फिर उसका क्रॉस ओवर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उनका म्यूटेशन करवाएंगे बेस्ड ऑन, मैं तो बिट वाला बढ़िया समझता हूँ। फिर से आप कंप्यूट करोगे फिटनेस को, ठीक है, और फिर से आप यही प्रोसेस को रिपीट करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बना देता हूँ यार। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा। अब मैं आपको थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा इनके जो आपका पेरेंट सेलेक्शन टेक्निक्स हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। सो पेरेंट सेलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स विच मेट एंड रिकम्बाइंड टू क्रिएट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। वी नो दैट कि हमें क्रोमोसोम्स, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को सेलेक्ट करना है, लेकिन वो सेलेक्ट कैसे करना है, ये पेरेंट सेलेक्शन बहुत ही क्रूशियल है कन्वर्जेंस रेट के लिए, कन्वर्जेंस तक पहुंचने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। एज अ गुड पेरेंट्स ड्राइव इंडिविजुअल टू अ बेटर एंड फिटर सॉल्यूशन। अगर हम अच्छे क्रोमोसोम्स को लेंगे तो अच्छी पॉपुलेशन को क्रिएट करेगा, अच्छे ऑफ स्प्रिंग्स को क्रिएट करेगा, और जो कि एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ हमें लेके जाएगा। सो हाउ एवर केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट वन एक्सट्रीमली फिट सॉल्यूशन फ्रॉम टेकिंग ओवर द एंटायर पॉपुलेशन इन अ फ्यू जनरेशंस, एज दिस लीड्स टू द सॉल्यूशन बीइंग क्लोजर टू वन अनदर इन द सॉल्यूशन स्पेस, देयर बाय लीडिंग टू अ लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। सो मेंटेनिंग गुड डाइवर्सिटी इन इन द पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ अ जीए, दैट इज कॉल्ड वी नीड टू रीच ओके अप टू जीए। सो दिस टेकिंग अप ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन बाय वन एक्सट्रीमली फिट सॉल्यूशन इज नॉन एज प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस एंड इज अनडिजायरेबल कंडीशन इन अ जीए। सो हमारे पास में फिटनेस के लिए हमारे पास में सबसे पहले है रोल्यूट व्हील सेलेक्शन। चलिए तो इसके बारे में समझते हैं। रॉल्ट व्हील सॉल्यूशन, व्हील सेलेक्शन, सॉरी। सो इन रॉल्ट व्हील सेलेक्शन द सर्कुलर व्हील इज डिवाइडेड एज डिस्क्राइब्ड बिफोर। लेट मी शो यू हियर। सो डिस्क्राइब्ड हियर, अ फिक्स्ड पॉइंट इज चूजन ऑन अ व्हील। हम कोई फिक्स्ड पॉइंट को चूज कर लेंगे, ठीक है। सर्कमफेरेंस एज शोन एंड द व्हील इज रोटेटेड, हम व्हील को स्पिन करेंगे, ठीक है। द रीजन ऑफ द व्हील विच कम्स इन फ्रंट ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट इज चूजन एज द पेरेंट। फॉर द सेकेंड पेरेंट द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए के लिए हमें दिख रहा है कि ब्लू वाला जो ये वाला है वो ए के लिए है। अरे ये ए के लिए हो गया, बी के लिए भैया ये वाला हो गया, सी के लिए ये हो गया, डी के लिए ये हो गया, ई के लिए ये हो गया, एफ के लिए ये हो गया। इनकी फिटनेस वैल्यू के आधार पे अपनों ने ये कर लिया, और फिर बाद में हमने चक्का घुमाया, चक्का घुमाया, तो भाई साहब वो मतलब प्रोबेबिलिटी है फिर भी इसकी कि कितने आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो रैंडम है, ठीक
ठीक है, मतलब बहुत ही रैंडम है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अगर डी आया, चूज एन डी एज अ पेरेंट, तो अगर यहाँ पर आ गया तो डी को हमने पेरेंट कैसे चूज कर लिया, वापस से वो घुमाएंगे और वो वापस से उसी तरीके से आएगा। सो इट इज क्लियर दैट अ फिटर इंडिविजुअल हैज अ ग्रेटर पाइल ऑन द व्हील एंड देयर फॉर अ ग्रेटर चांस ऑफ लैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फिक्स्ड पॉइंट व्हेन द व्हील इज रोटेटेड। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग एन इंडिविजुअल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इट्स फिटनेस। भैया ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? फिटनेस वैल्यू के ऊपर। ये फिटनेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी जितनी फिटनेस वैल्यू होगी इसी के आधार पे वो वेट करता है। सो कैलकुलेट अस द सम ऑफ फिटनेस, जनरेट अ रैंडम नंबर फ्रॉम बिटवीन 0 एंड अस, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द पॉपुलेशन, कीप एडिंग द फिटनेस टू द पार्शियल सम पी टिल पी लेस देन एस, द इंडिविजुअल फॉर विच पी एक्सीड एस इज चोजन इंडिविजुअल। ओके, तो ये हो गया हमारा रोल व्हील सिलेक्शन। अगला है हमारा टूर्नामेंट सिलेक्शन। क्या टूर्नामेंट खिलाओगे सर? अरे नहीं यार, चलिए इसकी थोड़े पिक्चर विक्चर ले लेते हैं यार, आपको थोड़ा पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में समझाएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा मेरे को तो लगता है यार। सो इन के वेज टूर्नामेंट सेलेक्शन, वी सेलेक्ट के इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन एट रैंडम एंड सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दिस टू बिकम अ पेरेंट। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट पेरेंट। टूर्नामेंट सेलेक्शन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉपुलर इन लिटरेचर एज इट कैन एवर वर्क विद नेगेटिव फिटनेस वैल्यूज। तो जैसे कि आपने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, फिर इन तीनों में से देखा आपने कि बेटर कौन सा था, पिक द बेस्ट एज अ पेरेंट। सो फिर बाद में सेलेक्ट के क्रोमोसोम्स एट रैंडम, कोई भी रैंडमली उठा लो यार, रैंडमली उठाकर उनमें से इनका बेस्ट, अगेन ये किसके ऊपर आधारित है? फिटनेस वैल्यू के ऊपर ही आधारित है कि इनमें से फिटेस्ट कौन है उसको लेके चलो। और इसी तरीके से रैंक सेलेक्शन भी काम करता है यार, रैंक सेलेक्शन भी इसी के आधार पे काम करता है। रैंक सेलेक्शन, सो रैंक सेलेक्शन क्या करता है भाई? बेसिकली रैंकिंग करता है यार, ठीक है, वो बेसिकली रैंकिंग करता है। तो मैं एक डेटा लेकर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सो ये देखिए, ये क्रोमोसोम है, ये इसकी फिटनेस वैल्यू है और ये उनकी रैंक हो गई। सबसे बढ़िया रैंक इसकी है 8 वाले की, इस तरीके से इनकी रैंक फिक्स कर दी मैंने। और फिर बाद में इन दिस प्रोसेस वी रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस वैल्यू वाइल सेलेक्टिंग अ पेरेंट। हाउएवर एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिटनेस। अगेन द सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स डिपेंड्स ऑन द रैंक ऑफ ईच इंडिविजुअल नॉट द फिटनेस। द हायर रैंक्ड इंडिविजुअल्स आर प्रेफर्ड मोर देन द लोअर रैंक्ड। सो जैसे कि ये वाला बंदा, ये वाला बंदा हो गया, ये वाला बंदा हो गया, कुछ इस तरीके से हम उसको सेलेक्ट करते हैं भैया जी, ठीक है। ये सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यार मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको ये समझाना चाहूंगा यार, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और उसके आधार पे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल तो बनता ही है यार इस पूरी प्रोसेस में, ठीक है। सो मैंने देखो एक एग्जाम्पल के लिए पूरी भूमिका तैयार कर रखी है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें क्या करना है, एक फंक्शन है हमारे पास में, हमारे पास में एक फंक्शन है, कंसीडर द फंक्शन ऑफ
मैक्सिमाइजिंग ऑफ द फंक्शन, ये हमें लेके चलना है, ठीक है। वेयर एक्स इज इन परमिटेड टू वेरी बिटवीन 0 to 31, हम यही मान के चलते हैं कि 0 से 31 तक में वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो आसानी होगी हमारे लिए यार, आराम से हम कर पाएंगे इसको। सो सेलेक्ट इनकोडिंग टेक्निक से हम ये करेंगे, 5 बिट ले लेते हैं, 0 के लिए 0000 0, और 31 के लिए हम ले लेते हैं 1111। ओके, सो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हेयर इज दिस एंड विच वी नीड टू बी मैक्सिमाइज्ड, हमें इसको मैक्सिमाइज्ड करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, टू स्टार्ट विथ सेलेक्ट इनिशियल पॉपुलेशन आर रैंडम, हेयर इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ साइज 4 इज चूजन, हम चार रैंडमली कोई नंबर को उठा लेते हैं यार, चार रैंडम नंबर को उठा लेते हैं, बट एनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और फिर बाद में उसके ऊपर हम लगाएंगे हमारी एल्गो। तो चलिए, मैंने ये सबसे पहले बना रखा है स्ट्रिंग 1, यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पर सम, यहाँ पर एवरेज, और यहाँ पर हो गया आपका मैक्सिमम, ठीक है। मैंने चार नंबर उठा लिए, 12 25 5 और 19, चार नंबर उठा लिए, इनकी बिट वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट किया मैंने, तो इनकी बिट वैल्यू हो गई 0 1 1। बाइनरी फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं, 25 को इस तरीके से लिखेंगे, 5 को इस तरीके से, और 19 को इस तरीके से, ठीक है। अब इनकी फिटनेस एफएक्स के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू, तो हमें इनकी वैल्यू देखनी है। तो अगर एक्स को मैं यहाँ पर डालूँ, 12 का स्क्वायर 144, इसका 625, इसका 25, इसका 181, तो इनका सम करेंगे तो 1155 आ जाएगा हमारे पास में, फिर आपके पास में आएगा 288.75 इनका एवरेज, और इनमें से मैक्सिमम है 625, तो वो हमने निकाल लिया। अब ये आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालिए भाई साहब आप। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, तो जो भी हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू डिवाइड में सबकी वैल्यू, ठीक है। इन इनके समेशन की वैल्यू, तो ये 144 डिवाइडेड बाय 1155, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1247। इसी तरीके से 625 डिवाइडेड बाय 1155, इसकी हो जाएगी 0.5411, इसकी हो जाएगी 0.0216, इसकी हो जाएगी 0.3126, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 12.47, इसका 54.11, इसका है हमारे पास में आ जाएगा 2.16 लगभग, और इसका आ जाएगा हमारे पास में 3126। अगर प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसी के अपॉन में तो 1.0, एवरेज की प्रोबेबिलिटी 0.25, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0. है ना, और इनका परसेंटेज 125 54.11। फिर एक्सपेक्टेड काउंट, एक्सपेक्टेड काउंट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, इसको इरेज कर देता हूँ एक सेकंड। एक्सपेक्टेड काउंट करने का फॉर्मूला है एफ एक्स अपॉन एवरेज ऑफ सम ऑफ एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स का एवरेज, ठीक है। वो हमें निकालना है। वो है हमारे पास में ये एवरेज, हमारे पास में ये है, और हमें क्या करना है, एफ एक्स 144 डिवाइडेड बाय दिस, तो इट विल गिव यू 987, इट विल गिव यू 2.1645, यहाँ पर आया 0.0866, यहाँ पर 1.2502, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1,
और 2.1645, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड काउंट हो गया। इसको राउंड ऑफ कर करके लिखना है हमें, राउंड ऑफ कर करके लिखना है, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी 1 2 0 1 4 1 2, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ इन चार की बात करनी है, हमें तो सिर्फ इन चार की बात करनी है। तो ये जो एक्चुअल काउंट है वो हमें एक डेटा दे रहा है कि कौन से क्रोमोसोम्स को हमें चूज करना है। तो ये कह रहा है कि यार ये वाला क्रोमोसोम एक बार चूज कर लो, ये वाला 2 बार कर लो, इस वाले को छोड़ दो और ये वाला एक बार कर लो। तो ये कह रहा है कि देखो यार जो नियर बाय 31 है ना उसको इसने 2 बार चूज करवाया, 25 को 2 बार चूज करवाया, 12 को सिर्फ एक बार चूज किया है, 19 को एक बार चूज किया है। ये क्या है, हमने फिटनेस निकाल ली यहाँ पर, सॉरी सेलेक्शन, पेरेंट सेलेक्शन कर लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से हमने पेरेंट सेलेक्टिंग कर ली। अब मेटिंग पूल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में सेम हम तो पीछे वाले से चुन के लाए हैं कुछ कुछ वैल्यूज को, सम एवरेज और मैक्सिमम, पिछले वाले से चूज करके लाए हैं तो जिन जिन को चूज करके लाए हैं उनको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 0 1 1, इसको एक बार चूज किया था, 25 को 2 बार चूज किया है और एक 19 को चूज किया है, एक बार 5 को चूज नहीं किया हमने, ठीक है। सो क्रॉस पॉइंट हमने रखा है इन दोनों के लिए, क्रॉस पॉइंट रखा है 4 और इन दोनों से के लिए रखा है 2। तो क्रॉस पॉइंट अगर 4 रखा है तो 1 2 3 4, 4 तक ही होगा, यहाँ तक 2 तक, सिर्फ 2 तक होगा। तो फिर बाद में हम कह रहे हैं कि ऑफ स्प्रिंग आफ्टर क्रॉस पॉइंट, इसमें लगाया आफ्टर क्रॉस पॉइंट, बिफोर क्रॉस पॉइंट नहीं, तो मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो आफ्टर क्रॉस पॉइंट बनेंगे। तो देखिए ये वाले स्विच होंगे इस वाले में मीटिंग के दौरान, क्योंकि हमने क्रॉस पॉइंट यहाँ पर 4 रखा है, तो सिर्फ 4 के बाद में 0 और 1 स्विच होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 1 1 0 1 और यहाँ पर आया 1 1 0 0 0, यहाँ पर 2 के बाद में हो रहा है, तो ये दोनों तो एक जैसे रहेंगे, फिर ये दोनों स्विच होंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों स्विच हो जाएंगे सिर्फ यहाँ पर, तो 1 1 0 1 1 और यहाँ पर 1 0 0 0 1, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग आफ्टर क्रॉस ओवर। फिर इनकी एक्स वैल्यूज, हम एक्स वैल्यूज फाइंड कर लेंगे कि भैया इनकी एक्स वैल्यूज क्या है आफ्टर, मतलब इन ऑफ स्प्रिंग्स की वैल्यू क्या है। तो इसकी आ गई 13 24 27 और 17। आप देख रहे हो हम मोर नियर टू द मैक्सिमम बढ़ रहे हैं, और मैक्सिमम हमें पता है 31 के करीब करीब है। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें पता है 169 आ रही है, इसकी आ रही है 476, इसकी आ रही है 729, इसकी आ रही है 289, और यहाँ से फिर बाद में हम इसका सम करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे और इसमें से मैक्सिमम को ले लेंगे, वो है 729, हमें पता है कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम ऑफ स्प्रिंग करेंगे ना, ऑफ स्प्रिंग आफ्टर क्रॉस ओवर, इसका इसको लेंगे और इसका म्यूटेशन फॉर फ्लिपिंग लेंगे। तो बेसिकली इस डेटा को उठाकर और यहाँ पर एज इट इज डाल देंगे हम, 1 1 0 0 0, 1 1 0 1 1 एंड 1 0 0 0 1। सो म्यूटेशन क्रोमोसोम्स फॉर फ्लिपिंग, सो बेसिकली हम फ्लिप के लिए फ्लिप करेंगे, ठीक है। सो हम कैसे फ्लिप करेंगे देखिए यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ पर जो एक जैसे हैं उनको 0 कर दो, जो मतलब एक जैसे हैं उनको 0 कर दो, यहाँ पर एक जैसे हैं 0 कर दिया, स्विच किया 0 हो गए, 0 हो गए, इस तरीके से हमने 0 कर दिया। तो यहाँ पर इसका हुआ 0 0 0 0 0, यहाँ पर आया 0 0 0 0 0 0, है ना, और यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 1, ठीक है। एंड ऑफ स्प्रिंग आफ्टर म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद में ऑफ स्प्रिंग क्या आएगा, सो म्यूटेशन के बाद में ऑफ स्प्रिंग जो आएगा
हमने म्यूटेशन क्रोमोसोम्स ले लिए फ्लिपिंग के लिए और इनको फ्लिप करना स्टार्ट कर दिया हमने। एक एक वैल्यू हमने ली और उसके आधार पे हमने बेसिकली उसको फ्लिप करना स्टार्ट किया। ये रैंडम हमने लिया है और इसके साथ में हम म्यूटेशन करेंगे, तो 0 और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर आएगा फिर 1 1 0 1, यहाँ पर आएगा 1 1 0 0 0। जो एक्चुअली आपको डिफरेंट लगते हैं सिर्फ उनको हमें चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 और 1 डिफरेंट है, सो हमें इसको चेंज करना है। ओके, सो लाइक दैट विल वर्क। यहाँ पर देखिए 1 और 0 है हमारे पास में, 1 0 1 0, बाकी सब सेम है, तो इट विल एज इट इज। यहाँ पर भी 1 1 1 1 एंड देन वी हैव 0, मतलब 2 बिट्स के साथ में हम ये कर रहे हैं, रिमेन विल बी सेम। सो 1 1 पहले वाले मैंने लिए, सॉरी 1 बिट के साथ में ही मैं ये कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ 1 बिट के साथ में करूँगा, तो यहाँ पर ये एक जैसी है, तो ऐसे का ऐसे ही, फिर बाकी 0 1 0 0। सो इसकी मैं वैल्यू लूँगा 29, 24, 27, 20, एंड जब मैं इसको डालूँगा 4 7 6 7 2 9 400, देन 2 5 4 6 6 3 6.5, एंड इसके अंदर मैक्सिमम है वो 841 है। 841 किसका है? 29 का। तो पहले हमारे पास में आया 625, फिर आपके पास में आया 729, और अब आया आपके पास 841, ठीक है। सो इस तरीके से हमें हर बार वैल्यू मिलती जाएगी। म्यूटेशन आपको देखिए, म्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, यहाँ पर क्या है म्यूटेशन? फ्लिपिंग ऑफ वैल्यूज है एट एनी, मतलब कहीं पे भी हम फ्लिप कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी जगह पे रैंडमली हम उसको चेंज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो उसे म्यूटेशन बोल रहे हैं। सो ये हो गया हमारा म्यूटेशन के लिए, फ्लिपिंग्स हमने ऐसे जनरेट की और उनके साथ में म्यूटेशन कर दिया कहीं पे भी किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काम किया। सो दिस इज हाउ इट डज वर्क, द एल्गोरिदम वर्क्स। सो बेसिकली यहाँ पर ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है ना, ये तो हमने रेंडमली सेलेक्ट किया है, ये जो 1 दिखा रहा है तो हमें सिर्फ इस वाले को चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर 1 भी 1 नहीं है तो किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें इन दो जगहों पर, सॉरी नहीं, यहाँ गलत कर रख दिया ना, यहाँ पर एक आता, मैं गलत लिया। सिर्फ इन 2 बिट्स को चेंज करने की जरूरत थी यहाँ पर, इसको 0 से 1 करने की जरूरत थी और इसको 1 से 0 करने की जरूरत थी, दैट्स इट। हमने रैंडमली उठाया है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब इसका पाइथन कोड समझते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं TSP, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के ऊपर। हमें पता है ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता क्या है यार, वो बंदा हर एक सिटी में जाएगा, बेचेगा, और उसको वापिस से अपनी सिटी में आना है, ठीक है। मतलब हर एक सिटी को शॉर्टकट रूट लेकर उसको सारी चीजें बेचनी है। सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे, हम अपना कोड देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा कोड है, और रुकिए भैया, अरे यार, ये हमारा कोड है, यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं रैंडम नंबर के लिए, रैंडम नम पाई को, फिर बाद में मैट प्लॉट लिप को, ये हमने डीप को भी इंपोर्ट किया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या है। मैंने यहाँ पे इसको प्लॉटिंग के लिए इंपोर्ट किया है, इसको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, और इसको रैंडम नंबर जनरेशन के लिए, और ये है डीप, द पाइथन लाइब्रेरी फॉर इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स, जैसे जेनेटिक एल्गोरिदम्स के लिए ये है। तो इससे मैंने क्या क्या निकाला है, बेस, क्रिएटर, टूल्स एंड एल्गोरिदम्स मैंने यहाँ से निकाली है। सो एड एल्गोरिदम्स, इंपोर्ट हेयर, क्रिएट सिटी कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम सिटी कोऑर्डिनेट्स को क्रिएट करें, क्योंकि ये हमारा क्या है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, तो हम सिटी कोऑर्डिनेट्स को, 10 सिटीज के कोऑर्डिनेट्स को हम क्रिएट करेंगे। तो हमने एक अरे बनाई, रैंडम नंबर लिया, और जितनी भी सिटीज है उसके लिए मैंने एक सिटी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को बना लूंगा यहाँ पर, फॉर फॉर डैश इन रेंज वॉट एवर, और वो यहाँ पर डालता जाऊंगा मैं, ठीक है।
इसमें डालता जाऊंगा, तो जितने भी सिटीज 10 सिटीज है उनके कोऑर्डिनेट्स, रैंडम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, देन टीएसपी डिस्टेंस, इट विल फाइंड द डिस्टेंस, इंडिविजुअल डिस्टेंस। सो इंडिविजुअल मैं पास करूंगा, उसका डिस्टेंस 0, एंड फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स हैं, सिटी स्टार्ट, सिटी एंड, स्टार्ट और एंड, बेसिकली इंडिविजुअल आई प्लस 1 और उसकी लेंथ, इंडिविजुअल लेंथ ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में मैं उसकी लेंथ को निकाल लूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ, हाउ डज वर्क, डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ गिवन टीएसपी टू रिप्रेजेंट बाय द ऑर्डर ऑफ सिटीज इन द इंडिविजुअल्स, इट यूजेस यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव सिटीज। ओके, यूक्लिडियन डिस्टेंस को यूज कर रहा है। सो यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें पता ही है, वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं भैया, पी क्यू इक्वल टू एक्स 2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर वो डिस्टेंस निकालेगा और फिर वहाँ डिस्टेंस को वो क्या कर देगा, आपको भेज देगा। तो वो डिस्टेंस को हमें वापस भेज भी दिया इसने। ठीक है, देन वी हैव पॉपुलेशन साइज, नंबर, नंबर जनरेशन, दिस इज जेनेटिक एल्गोरिदम पैरामीटर्स, म्यूटेशन रेट, उसकी म्यूटेशन रेट क्या है, उसके क्रॉस ओवर रेट क्या है, 0.8 मैंने लिया है, म्यूटेशन रेट को 0.1 लिया है, और फिर मैंने क्रिएट अ फिटनेस क्लास मैक्सिमाइजिंग 1 ओवर ए डिस्टेंस। ठीक है, सो मैंने क्रिएटर से क्रिएट किया है फिटनेस मिन। तो देखिए मैं यहीं पे समझाता हूँ आपको, जेनेटिक एल्गोरिदम पैरामीटर्स, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जनरेशन, नंबर ऑफ जनरेशन फॉर द इवेल्यूशन, कितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशंस की हमें ज़रूरत है, म्यूटेशन रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, क्रॉस ओवर रेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर ड्यूरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, देन क्रिएट फिटनेस क्लास एंड इंडिविजुअल क्लास। फिटनेस क्लास और इंडिविजुअल क्लास के लिए हमारे पास में एक फंक्शन है क्रिएट। सो इसमें हम डाल रहे हैं क्रिएटर डॉट क्रिएट फिटनेस मिन बेस डॉट फिट फिटनेस, और वेट्स डाल दिया मैंने -1.0। सो डिफाइन अ फिटनेस क्लास टू मिनिमाइज द डिस्टेंस। ठीक है, हमें डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, और ये इंडिविजुअल लिस्ट फिटनेस क्रिएटर डॉट फिटनेस मिन डिफाइंस एन इंडिविजुअल क्लास विद अ फिटनेस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, देन वी हैव क्रिएट टूल्स, टूल बॉक्स, क्रिएट टूल बॉक्स, सो अ कंटेनर फॉर रजिस्ट्रिंग वेरियस फंक्शंस यूज्ड इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इवोल्यूशनरी प्रोसेस के लिए ये कंटेनर है जो कि वेरियस फंक्शंस के लिए रजिस्टर करने के लिए काम में आएगा। तो टूल बॉक्स डॉट रजिस्टर इंडिसेस, रैंडम डॉट सैम्पल, रेंज, नम सिटीज और नंबर ऑफ सिटीज, द फंक्शन टू जनरेट रैंडम इंडिसेस रिप्रेजेंटिंग सिटीज, नंबर इंडिसेस वो हमें इंडेक्स वैल्यूज उसके लिए जनरेट करेगा जो कि सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ये फंक्शन जो है टू क्रिएट एन इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पर हम पॉपुलेशंस को क्रिएट करने के लिए भी एक, यहाँ पर इंडिसेस, इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस को क्रिएट करने के लिए हमने 3 चीज़ें 3 बार रजिस्टर को यूज़ किया। अदर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड इवोल्यूशन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन एंड सेलेक्शन फंक्शन। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल्स इंडिसेस को यहाँ पर इनिशिएट कर रहा है, फिर इंडिविजुअल्स को वो जनरेट कर रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशंस को, यहाँ पर इवेल्युएट को, मेट को, म्यूटेट को, सेलेक्ट को, सेलेक्शन भी रैंडम हो रहा है ना, मतलब रैंडम सेलेक्शन अधिकतर हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि रैंडम सेलेक्शन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी होता है। फिर बाद में अगला जो हमारे पास में है वो है इनिशियलाइज पॉपुलेशन, यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं पॉपुलेशन को। सो पॉपुलेशन को इनिशियलाइज करने के लिए टूल बॉक्स डॉट पॉपुलेशन एन इक्वल टू पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज बता देंगे और जनरेट कर देंगे, एंड पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स की इनिशियल पॉपुलेशंस को, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड हॉल ऑफ फेम, स्टैट्स
बेस्ड ऑब्जेक्ट टू स्टोर स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, मिनिमम एंड एवरेज फिटनेस, एंड देन बेस्ट हॉल ऑफ फेम टू स्टोर द बेस्ट इंडिविजुअल। ठीक है, हम हॉल ऑफ फेम्स को भी लेंगे टू स्टोर द बेस्ट इंडिविजुअल्स को लेने के लिए। और ये स्टैट्स हो गया ऑब्जेक्ट टू स्टोर स्टैटिस्टिक्स ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, मिनिमम एवरेज फिटनेस, जो मिनिमम और एवरेज, क्योंकि वहां तो हमने हमारे एग्जांपल में तो मैक्सिमम निकालना था, यहाँ पर हमें मिनिमम डिस्टेंस लेनी है, तो हम मिनिमम निकाल के चलेंगे। ठीक है, देन वी हैव इवोल्यूशन यूजिंग डीप ई सिंपल फंक्शन। सो एल्गोरिदम ई सिंपल परफॉर्म द इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द सिंपल इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। इट यूजेज द स्पेसिफाइड टूल बॉक्स, क्रॉस ओवर रेट, म्यूटेशन रेट, नंबर ऑफ जनरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। देन वी हैव रिट्रीव बेस्ट इंडिविजुअल एंड इवेल्युएट बेस्ट रूट एंड बेस्ट डिस्टेंस वी नीड टू रिट्रीव। That best route, best zero, retrieve the best individual from all of fame, and best distance, TSP distance, best route will be calculated, the distance of best route, and then we need to print the result. So let's see. Here we are perform the evolution using deep algorithm. So that we are doing, and here we are printing it with the graph. ओके, सो ये इसकी एल्गोरिदम हो गई, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं और इसको फिर एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए, ये है हमारे पास में जनरेशन 1 में मिनिमम और एवरेज, फिर जनरेशन 2 में, जनरेशन 3 में, जनरेशन 4 में, नंबर ऑफ जनरेशन हम 50 तक गए हैं, और यहाँ पर हमारे पास में देखिए अब कन्वर्जेंस आ गया, इतना ज़्यादा हमारे पास में मिनिमम और एवरेज इतना रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ये नेवल्स हो गए हमारे पास में, और बेस्ट रूट हमारे पास में आ गया 4 2, सबसे पहले 4 पे जाना है, फिर 2 सिटी नंबर 2 पे, फिर 8 पे, फिर 5 पे, फिर 3 0 6 9 7 1, और बेस्ट डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 3.057। सो ये हमारे पास में बेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन दैट। सो कुछ इस तरीके से वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम देखिए स्टार्ट कर रहे हैं सिटी नंबर 4 से, 4 से फिर गए 2 पे, मतलब जिस तरीके से हम चल रहे हैं। ग्राफ में तो यार मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा बेसिकली, लेकिन दिस इज हाउ इट डज वर्क। मैं थोड़ा सा जनरेशन्स को भी चेंज करके कर सकता हूँ क्या? मैं नंबर ऑफ जनरेशन्स को कम करके देखने की कोशिश करता हूँ, पॉपुलेशन साइज नंबर ऑफ जनरेशन 10 करता हूँ, तो क्या आंसर आता है देखते हैं। 10 में तो घटिया सा आंसर आया है, इसकी साइज क्या है? नहीं यार, बेस्ट रूट बेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर 2.05 नहीं ना है, अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो कैलकुलेशन ज्यादा टाइम ले रही है। चलिए आप ये चेंज कर करके देख सकते हैं, और इसी से आपको ज्यादा ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग।